गुसू में धीरे धीरे सभी क्लान लीडर आने लगे अपने अपने परिवार के साथ। सबसे पहले क्लान लीडर वैन, फिर जिन निये और अंत में क्लान लीडर शू आए। मैडम यू भी सभा में आई, उसके पीछे चौंग भी था। मैडम यू चौंग से कहती है, अगर तुम उसे संभाल नहीं सकते तो उसे छोड़ दो। जी चौंग यू की तरफ देख रहा था, यू की बात उसे समझ नहीं आई। मैडम यू ने रात में चौंग को जिंक्सी से निकलते हुए देख लिया था और कई बार वो चौंग के नेक पर मार्क भी देखा है। मैडम यू डिस्कस्ट नज़रों से देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुमसे ऐसा कुछ होने वाला है। जिस पर वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। जी चौंग यू की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, वो भी जाकर चुपचाप पेंगुइन के बगल में बैठ जाता है। शुरू से ही वेन चाओ जी चौंग को नोटिस कर रहा था। वो शू से पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? जहाँ तक मुझे पता है जियांग क्लान का एक ही वारिस था, वो भी बेकार सा ओमेगा। शू भी चौंग को देखा, उसकी डोमिनेंट लुक को नोटिस करता है। शू स्मक करता है और कहता है, कुछ भी हो लेकिन हमारे आगे कुछ नहीं। वेन चाओ हम कहता है। शू वेन चाओ की तरफ देखते हुए फिर से कहा, वैसे उस प्रस्ताव का क्या हुआ? तुमने क्या क्लान लीडर से बात किया? वेन चाओ बोला, वो बुढ़ा मेरी बात नहीं सुन रहा, कहता है जो मैंने सभा में निर्णय लिया है वही मान्य है। भाई अगर वांची को अल्फा मिल गया तो मेरा क्या होगा? शू कहता है, धीरे बोलो, कोई बात नहीं, अगर अल्फा मिल भी गया तो हम उसे मार देंगे, वांजी तो हमारे साथ ही रहेगा। वेन चाओ भावनाओं में इतना बह गया कि वो बात करते करते तेज बोलने लगा, हाँ लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। वेन चाओ बोला, हाँ एक बार मेरी शादी वांजी से हो जाए फिर मैं उसे बुढ़े को देख लूँगा। शू वेन चाओ की इस बात पर हंसता है। शू कुछ सोचता है, वेन चाओ से पूछता है, वैसे वांजी यहाँ क्यों नहीं है? सभा में सभी को उपस्थित होना चाहिए। मुझे नहीं लगता क्लान लीडर लैन वांजी को आने देंगे। हाँ पक्का ये बुढ़ा ही मना किया होगा, वेन चाओ बोला। तो शू चलती सभा में बोल पड़ा, क्लान लीडर लैन, आपको नहीं लगता सभा में सभी को उपस्थित होना चाहिए? तो वांजी कहाँ है? तो शू चैन बोले, वांजी सभा में नहीं आएगा, शायद आपने लैन नियम नहीं पढ़ा, ओमेगा सभा में उपस्थित नहीं होते हैं। यह जवाब सुनकर क्लान लीडर शू चाओ का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। अन्य क्लान से ओमेगा भी सभा में बैठे थे लेकिन लैंस ओमेगा को सभा में उपस्थित नहीं होने का नियम बनाया है, जब तक कोई ज़्यादा जरूरी या ओमेगा पर बात ना हो तो ओमेगा सभा में नहीं आते, उन्हें उन सभी से दूर रखा जाता है। सुचैन की बात से शू तो अपना मुट्ठी टाइट कस लेता है और आगे कुछ नहीं बोलता। जी चौंग को शू द्वारा वांजी को वांजी बोलने पर गुस्सा आया, उसके वांजी कैसे बोला, वो मेरा ओमेगा है, वो सिर्फ मेरा वांजी है, अल्फा वुशियान अंदर से बोल ले जा रहा था और जी चौंग खुद को शांत कर रहा था। कोई भी क्लैन दूसरे क्लैन को क्लैन लीडर या उसके बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस या सेकेंड लैंड या वैन बोले ले जाते हैं या उनका स्टेज नेम यूज़ किया जाता है। वांजी को हंगवेन जून या सेकेंड लैंड या सेकेंड प्रिंस कहा जाता है। तो वेन चाओ और शू उसे सीधे वांजी बोल रहा था, उसके बर्थ नेम से उसका पार्टनर या उसका अल्फा या उसके पेरेंट्स के अलावा दूसरा नहीं बोल सकता। लैन कुरेन बोला, थोड़ी देर बाद उत्सव आरंभ हो जाएगा, तब तक आप सभी अपना तैयारी कर सकते हैं, यह सभा यहीं पर समाप्त हो जाता है। इधर लैन वांजी को आज कुछ अजीब लग रहा था, उसने अपनी बॉडी टेम्परेचर बढ़ती हुई महसूस हो रहा था, फिर भी वो इग्नोर करके वह तैयार होने चला जाता है। कम से कम आधे घंटे में वह तैयार हो जाता है। उसने सेंट कवर करने के लिए औषधि खाई लेकिन उसने कॉलर नहीं पहना। ओमेगा को एक ब्लैक कलर का कॉलर दिया जाता है जिसे नेक पर पहना जाता है जिसे दूसरे अल्फा उस पर अटैक ना करे। एक ओमेगा का सेंसिटिव पॉइंट उसका नेक होता है। वांजी कॉलर इसलिए नहीं पहनता क्योंकि वो मार्क ओमेगा है, अब उसे दूसरे ओमेगा से कोई खतरा नहीं। वो ऐसे ही लैंगलिंग से मिलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद उत्सव शुरू हो जाता है। सभी क्लैन लीडर अपने अपने पार्टनर के साथ वहाँ सम्मिलित होते हैं। सभी लैंग
सुचैन को भी अलविशेष देते हैं। कुछ लोग गिफ्ट भी देते हैं लेकिन सुचैन नहीं लेता, वो गिफ्ट उसके ओमेगा का है, तो उसके गिफ्ट लेने का क्या फ़ायदा। तभी वहाँ लैन वान जी अपनी मदर लैनलिंग के साथ आता है। वेन चाओ और शू इस टाइम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लैन लिंग तो क्लैन लीडर और उसके परिवार के साथ बात करने में बिजी हो जाता है, लेकिन वान जी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वेन चाओ उसे घूरे जा रहा था। उसकी नज़र वान जी को अच्छी नहीं लग रही थी। वेन चाओ वान जी से बात करने के सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही जी चौंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वान जी छोटा था जिससे वह पूरी तरह अब वेन चाओ को नहीं दिख रहा था। जी चौंग कब से वेन चाओ को देख रहा, वो किस तरह उसके ओमेगा को घूरे जा रहा, तो शुरू से ही वह अपने आप को शांत कर रहा था। वेन चाओ को पूरी तरह इरिटेट हो गया, वो वाइन पे वाइन पिए जा रहा था, तो शू आते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या तुम अपने होने वाले ओमेगा वाइफ से नहीं मिले, क्या तुमने बात किया। वेन चाओ इरिटेट होकर चौंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। शू भी उधर देखा जहाँ चौंग वान जी को पूरी तरह कवर कर खड़ा था। वहीं खड़ा नियर क्लाइन के सेकेंड प्रिंस हुसैन से बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि चौंग कमज़ोर है, वो फाइट नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद इसलिए इस कंट्रोल कर रहा है क्योंकि चियांग की तरफ से आया था। फेंगम्यांग का नाम खराब नहीं करना चाहता था, वो जियांग का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कब से ये सब सह रहा। तभी फेंगम्यांग जी चौंग को अपने साथ दूसरे क्लैन से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। और इस टाइम वान जी बिल्कुल अकेला हो गया। इसी का फ़ायदा उठाकर वेन चाओ वान जी के पास आया और उसे बात करने का कोशिश करने लगा। वान जी, बड़ी मुश्किलों के बाद तुमसे बात करने का मौका मिला, आज देखने को मिल रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो वान जी, वेन चाओ बोला। लेकिन इस पर वान जी को गंदा फील हुआ तो हकलाते हुए बोला, धन्यवाद सेकंड फ्रेंड्स वैन, वेन चाओ बोलो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। वेन चाओ बोलते बोलते वान जी के हाथों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वान जी एक कदम पीछे जाते हुए बोला, लेकिन गुसु में मेहमान से ऐसे बात करना नियम के खिलाफ है, मुझे चलना चाहिए सेकंड फ्रेंड्स वैन, मुझे कुछ काम याद आ गया। कहते हुए वान जी वहाँ से चला गया। और वेन चाओ वान जी के ऐसे कोल्ड बिहेव पर गुस्सा था, वो अपना मुट्ठी टाइट बंद किया। वो उसी रास्ते को देख रहा था जहाँ से वान जी गया और कहता है, वान जी कितना भागोगे, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मार करके छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे टच के लिए मेरे पैरों पर गिरकर रोगे। ये बड़े बड़े क्लैन के ओमेगा के नखरे, कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं तुम्हारा क्या हालत करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं सकते वान जी। इतना कह वेन चाओ वहाँ से चला जाता है। इधर वान जी जिंगशी आ गया था, वो इतना जल्दी आया कि वो हाँफ रहा था, उसकी बॉडी गर्म हो रही थी, उसे वो औषधि काम करना बंद कर दिया, उसने अपना सेंट लीक होने लगा। उसे अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी, उसने अपना रोब उतारना शुरू कर दिया। अब वो इनर रोब में था, वो बेड पर लेट गया क्योंकि उससे गर्मी के साथ साथ अब उसे अपने बॉडी में पेन भी महसूस होने लगा। दूसरी तरफ जी चौंग को कब से बेचैनी हो रही थी, उसका मार्क भी चल रहा था, वो बार बार अपने मार्क को रब कर रहा था ताकि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल होने की बजाय और ज़्यादा जलने लगा। मैडम यू ये कब से नोटिस कर रही थी, वो जी चौंग के पास आते हुए कहा, लगता है तुम्हारी माँ ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। क्या मतलब, जी चौंग बोला, यू स्मर्क कर कहा, अगर मार्क जल रहा तो इसका दो ही मतलब होता है, एक ओमेगा मुश्किल में है, दूसरा या हीट में है। इतना कहा मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जी चौंग भागता हुआ जिंगशी की तरफ जाता है क्योंकि उसने हुसैन से पूछा था वान जी के बारे में, तो उसने बताया कि वो वान जी को जिंगशी की तरफ जाते हुए देखा था। जिंगशी के अंदर जाते ही उसने देखा कि वान जी बेड पर खुद को कडल करे खुद को जकड़े हुए लेटा था, वो सिर्फ अपने इनर रोब में था जिससे उसकी बॉडी सेफ झलक रही थी।
उसका सामने का बाल पसीने की वजह से गीले हो गए थे। उसका सेंट पूरे जिंक्शी में फैला हुआ था। जीचोंग सबसे पहले अपना फेरोमोन्स रिलीज कर वांजी के फेरोमोन्स को कवर किया। वो धीरे धीरे वेट की तरफ आता है। वांजी के सेंट की वजह से उसे नशा होने लगा था। वो अपने हाथों से वांजी को फेस को पकड़ता है। उसका हाथ कांप रहा था। वो कांपते हुए वांजी से कहा, वांजी क्या तुम हीट में हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे दर्द हो रहा है, वांजी ने कहा। जीचोंग उसे किस करने लगा। वांजी के फेरोमोन्स की वजह से उसे अपना कंट्रोल खो रहा था।